वर्ष 2009 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पश्चिमी चंपारण जिले के लौरिया प्रखंड के कटैया गांव में भ्रमण कर यहां दो गड्ढे वाला शौचालय की नींव रखी थी। आज इन सभी शौचालयों की टंकियां भर गई हैं और मानव मल काला सोना खाद बन चुका है। जी हां, मानव मल को काला सोना इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये 200 से 250 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहा है। लौरिया के BDO अपने दल बल के साथ वैसे शौचालयों की टंकियों का निरीक्षण कर रहे हैं जो भर गया है और उसे निकलवा कर किसानों के खेत में खुद छिड़काव भी कर रहे हैं। जिला के कटैया गांव से प्रदेश सरकार ने स्वर्ण खाद खेतों में डालने की प्रक्रिया शुरू की है। यही नहीं, बिहार सरकार इस काला सोना को खरीदने के लिए मार्केट भी तैयार कर रही है। लोगों को जागरूक करने के बाद सरकार खुद खाद खरीदेगी। बिक्री के लिए हम रूरल सैनिटेशन मार्ट का यहाँ पे स्थापना करना है। अभी हमारे यहाँ पे एक दर्जन से ज्यादा लोग देखे हैं कि सोना खाद हो गया है, तो उसके लिए हम लोगों ने हमारे BDO साहब मिलकर उप विकास आयुक्त महोदय से मिलकर और इसको रखेंगे कि सर इसके लिए मार्केट में उन लोगों के द्वारा अगर खाद निकाला जाता है तो उसको मार्केट में या अपने खेतों में वो लोग छींटे, उसको प्रेरित करेंगे हम। किसान अमन मियां और चंचल कुशवाहा का कहना है कि इस खाद से खेतों में अच्छी पैदावार हो रही है, सरकार को इसे और व्यापक रूप देना चाहिए। सरकार के लाख लाख भी जी जो खाद हमने के बिक दे स्वच्छाग्रही लोग तो हमने की बताओ लो तो हम अपना खेत में देनी ओकरा के नहीं तो साली हमार बढ़िया बा। बेकार समझकर फेंक दिए जाने वाले मानव मल को एक साल बाद स्वर्ण खाद के रूप में इस्तेमाल किए जाने पर खेतों की पैदावार बढ़ जाती है। दो गड्ढे वाला शौचालय सही रूप में एक तीर से दो निशाना साध रहा है। बेतिया से आशीष कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना के लिए।